सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और एज यूजुअल जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई तैयारी कैसी चल रही है, तो अच्छी चल रही होगी क्योंकि आप पढ़ रहे हैं अभिमन्यु आईएएस के साथ और सी सेट को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले रहे हैं, उम्मीद करता हूँ। क्योंकि सी सेट खाली सी सेट नहीं है, वो आपके 66-67 मार्क्स नहीं है, याद रखिए हमेशा। वो आपके लिए मार्क्स नहीं होने चाहिए, वो आपके लिए आपके एक साल की मेहनत होनी चाहिए स्टूडेंट्स। क्योंकि ऐसी मेहनत का कोई फायदा नहीं जो डायरेक्शन लेस हो। मैं हमेशा की बात करता हूँ, मेहनत ऐसी करो कि उसके एक प्रॉपर डायरेक्शन हो, उसकी प्रॉपर एक दिशा हो कि आपको करना कैसे है। समझ बात, ऐसा ना हो कि आप तैयारी तो कर रहे हैं फिर एंड में आके उसका कुछ फल ना निकले, फिर वो टाइम भी वेस्ट, पैसे भी वेस्ट और आपकी जो टाइम जा रहा है वो भी वेस्ट। तो डायरेक्शनलेस तैयारी का कोई फायदा नहीं है, हमेशा एक प्रॉपर डायरेक्शन में हमें चलना चाहिए। क्योंकि एक मैनर में अगर चलोगे ना तो हमेशा आपको एक, देखो जैसे हम स्टेयर चढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, दो तीन सीढ़ियां चढ़ोगे तो गिरने का खतरा रहेगा, जंप मार के स्लिप हो सकते, चोट लग सकती है। इसी तरीके से तैयारी का मोड भी हमारा ऐसा होना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे स्टेप लीजिए। मैं अभी भी कहूंगा मुझे 150-200 नंबर नहीं लेने, मुझे गिने चुने अच्छे से नंबर लेने और बिना किसी डर के सी सेट के पेपर को मुझे अच्छे से क्वालिफाई करना। बिकॉज जीएस तो पढ़ ही लेंगे बट सी सेट अलग लेवल का है, सी सेट अब तैयार करने वाला है। सी सेट ऐसा है कि आपको डे बाय डे पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सी सेट करें, दो तीन दिन पढ़ा या एक दो महीने पढ़ा और भैया सी सेट हो गया। बिल्कुल सी सेट ऐसा आप नहीं है, आप सी सेट के लिए लंबी तैयारी चलिए, आपको 4-5 महीने की, ठीक है? हाँ वो अलग बात है, क्रैश कोर्स करिए एक बार, वो भी उसके लिए फायदेमंद है ज्यादा, जिन बच्चों ने ऑलरेडी पूरा सिलेबस किया हुआ है तो उसके बाद में करेंगे, वोट अभी समय है उसमें, बट अभी सही समय है ज्वाइन करने का। कैसे ज्वाइन करेंगे, कैसे तैयारी शुरू करेंगे, वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये हमारा सी सेट का बैच है, न्यू बैच है, जो कोर्स डिटेल है आपकी स्क्रीन पे सामने आपको दिख रही है। अब इसमें क्या है देखिए, सबसे पहले 4 डेज अ वीक बैच रहने वाला आपके पास, हफ्ते में 4 दिन क्लासेस है आपके पास, टोटल लेक्चर्स कितने आपके पास 180 से ज्यादा लेक्चर्स हैं आपके पास, टोटल क्या है 90 लेक्चर है मेरे पास। किसके एक्चुअली 80 जो 180 है ना, 90 और 90 प्लस में इसको तोड़ा गया है। आप कहोगे सर 90 प्लस का क्या लॉजिक है, एक्चुअली ये जो बेटा अपना बैच है ना, ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन प्लस आपका ऑफलाइन बैच है। इसका मतलब है कि आप घर बैठ के भी इसको एंजॉय कर सकते हो और आप ऑफलाइन लगाना चाहें तो हमारे हेड सेंटर में यहाँ पे आके भी इसे आप अवेल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों चीज अवेलेबल है हमारे पास, क्लियर? जिसके जिसका लिंक परचेज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा और कौन कौन से लिंक है धीरे धीरे पता चलेगा। देखिए तो ये 90 जो लेक्चर है ना शुरू वाले, ये आपको मिलेंगे ऑनलाइन है, आपको मिलेंगे लाइव बैच के अंदर, क्लियर? ये चीज क्लियर होगी। उसके बाद क्या है, इस 90 के अंदर भी 3 कैटेगरीज हैं। पहली है देखो मेरे पास क्वांट की, जिसके 50 लेक्चर है, मतलब 1.5 घंटे का मिनिमम लेक्चर है आपके, देखो 3 से 4.5, बट ये घर तक कब तक है, ये 5 बजे तक जाता, क्यों जाता वो भी बताता हूँ। जिन्होंने पिछले लेक्चर देखे हैं उन्हें तो पता होगा भाई 5 बजे तक क्यों जा रहा है, बट कैसे जाएगा आप देखते हैं, ठीक है? तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर आपके पास, 50 लेक्चर तो देख सकते हैं, 80 से 100 घंटे का तो आपके क्वांट है, ठीक है जी। 25 लॉजिकल रीजनिंग के और 15 आपके पास इंग्लिश के डेडिकेटेड लेक्चर्स हैं, तो टू और टू द पॉइंट आपसे बात की जाएगी बिल्कुल तरीके से, ठीक है? और एक्चुअली 0 to 0 बैच है, जिस बच्चे ने पहले नहीं कभी क्वांटिटेटिव पढ़ा वो भी इजीली इसको कर पाएगा, ये मेरी गारंटी थी भाई, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने पढ़ाया, मुझे पता है किस लेवल का पढ़ाया और किस लेवल के बच्चे को आना चाहिए, क्लियर है की बात। नेक्स्ट है मेरे पास प्रीवियस ईयर लेक्चर, तो 15 मेरे पास क्या है, 15 मेरे पास इसमें प्रीवियस ईयर लेक्चर, ये प्री अपलोडेड लेक्चर है। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन कितने हैं 50 प्लस, लाइव मेंटरशिप सेशंस कितने हैं मेरे पास 30 प्लस, तो ये 15 50 और 30 ये ऑलरेडी इसके अंदर पड़े हुए हैं, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये 90 लेक्चर आपके पास ऑफलाइन और सॉरी ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको लाइव बैच मिल रहे हैं, क्लियर? इसके बाद क्या, इसके बाद बहुत सारी चीजें, कोई डाउट हो कोई शक हो तो 9517771651 इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कई बार कॉल अगर ना मिले, नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो जस्ट एक मैसेज ड्रॉप कीजिए, आई विल बी देयर फॉर यू, क्लियर? तो अभी आपको ज्वाइन कर सकते हैं, सही समय। नेक्स्ट देखिए क्या मेरे पास अगला क्या है मेरे पास, देखो इस बैच में क्यों ये बैच इतना स्पेशल बोलता हूँ हमेशा, देखो सबसे पहले आपको क्या मिलता है, वीकली शेड्यूल, वीकली शेड्यूल मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि वीक में आपके लेक्चर कौन कौन से होने, क्लियर? अब जो आपको लाइव लेक्चर मिल रहा है ना,
जो आपको लाइव लेक्चर मिल रहा है उस लाइव लेक्चर के कुछ फीचर्स हैं। देखो सबसे पहले उसमें क्या मिलेगा आपको, लेक्चर पीडीएफ। अबे लेक्चर पीडीएफ क्या भाई, पीडीएफ तो बहुत सारे होते हैं, लेक्चर पीडीएफ का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इस पीडीएफ में वो डेटा होगा जो हमने क्लास में आज पढ़ना है, ठीक है जी। नंबर दो पे क्या है मेरे पास, रिसोर्स चार्ट। रिसोर्सेज में क्या है, रिसोर्सेज में वो डेटा होगा, वो कंटेंट होगा बेसिकली, जो मेरे पास क्या होगा, जो मेरा इंपॉर्टेंट होगा चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कोई थ्योरेटिकल पार्ट हो सकता है, कोई इसके अंदर क्वेश्चंस हो सकते हैं, कोई फॉर्मूलाज हो सकते हैं। नंबर तीन में मिलेगी प्रैक्टिस शीट। नंबर तीन पे मिलेगी मुझे प्रैक्टिस शीट। भाई प्रैक्टिस शीट का क्या हिसाब किताब है, इसको कब डिस्कस करेंगे, 10 से 12 15 क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस शीट में, और उस चैप्टर से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर लेक्चर से रिलेटेड होगा जो हमने पढ़ा है। और यहाँ पे जो 30 मिनट का सेशन है ना, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन के डिस्कशन का डाउट कम डिस्कशन सेक्शन है, डाउट कम डिस्कशन सेशन होगा 30 मिनट का लेक्चर के साथ में, डन। तो ये है इस कोर्स के डिटेल और इस कोर्स के बारे में। अब एक लास्ट चीज, जी हाँ अभी एक चीज और बची हुई, वो मेरे पास क्या है, मेरा वीकली टेस्ट, जो होता है 1 PM को संडे को। ऑफलाइन देना चाहे तो हमारे हेड सेंटर में आ सकते हैं मोहाली, अदरवाइज आप इसको घर बैठ के भी आराम से पोर्टल पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बजे आपके पे टेस्ट आएगा और इसका मिलेगा वीडियो सोल्यूशन। इसका मिलेगा आपको वीडियो सोल्यूशन। तो इट्स ऑल अबाउट इन दिस पर्टिकुलर बैच, क्लियर। चलिए कोई डाउट हो तो 9517771165 इस नंबर को प्लीज नोट कीजिए। नेक्स्ट है मेरे पास, तो व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, इसे भी आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, क्लियर है बच्चों। चलिए चलते हैं भाई, अब हम जरा लेक्चर की तरफ। हम कर रहे हैं नंबर सिस्टम के कुछ 5 बेहतरीन प्रश्न, जो कि प्रीवियस ईयर के ऑलमोस्ट। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 300 विच आइदर बिगिन और एंड विद 2, या तो वो स्टार्टिंग 2 से हो या एंडिंग 2 से हो, ऐसे नंबर कौन कौन से। स्टार्ट की रही ऑप्शन 110, 111, 112 और नन ऑफ दिस। और ये है यूपीएससी सीसेट 2016 का आपका आया हुआ क्वेश्चन। देखो भाई इसको ना अलग अलग में तोड़ो, जैसे मैं बात करूं 100 से कितना 199, इनमें कौन कौन से नंबर्स हैं जिनमें 2 आ सकते हैं, या तो पहले पे या उसने क्या बोला है, या तो बिगिन विद और एंड विद 2, बिग एंड विद 2 यानी 102, 112, 122, 132, 142, 152, 162, 172, 182, 192। तो कितना हो गए, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 यानी यहाँ पे 10 नंबर तो ये आ गए। इसका मतलब अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके शुरू में भी 2 है एंड में भी 2 है तो वो एक ही गिना जाएगा। देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 200 से बात करूं 299 कितने नंबर हो गए भाई, 200 से 99 तो ये कितने नंबर हो गए, नंबर हो गए मेरे पास कितने हैं, पूरा 100 नंबर। अगर आप कहोगे सर 202 भी दोबारा, 212 भी दोबारा, भाई 212 ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि अगर मैंने 200 की पूरी सीरीज ली 212 ऑलरेडी मैं उसमें काउंट कर चुका हूँ, आइदर बोला उसने, तो एक नंबर एक ही बात। तो कितना आंसर आ गया, 100 + 110 यानी 100 + 10 यानी कितना, ऑप्शन नंबर 110 बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का, क्लियर। तो दीज आर सम आउटस्टैंडिंग क्वेश्चंस व्हिच वी आर डिस्कसिंग, क्लियर। और ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर के हैं तो आपको पता भी चलना चाहिए किस हिसाब से ट्रेंड चेंज हुआ। चलिए भाई, देयर आर 13 टू डिजिट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। बेसिकली ये एवरेज का क्वेश्चन है, बेसिकली एवरेज का क्वेश्चन है, बट नंबर्स की बात की गया तो ठीक है। देयर आर 13 टू डिजिट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, इफ 39 इज मीन ऑफ फर्स्ट 5 सच नंबर्स देन व्हाट इज द मीन ऑफ ऑल द 13 नंबर्स, क्लियर। देखो भाई उसने बोला 1, 2, 3, 4, 5 देर आर 13 टू डिजिट्स कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इफ 39 इज मीन। देखो पहले 5 नंबर है उनका मीन कितना हुआ, 39 हुआ। बेसिकली एवरेज का क्वेश्चन है बट ठीक है लिख दिया तो कर देते हैं, 2017 का ही। अब वो बताना भाई सारे के सारे 13 नंबर, देखो मैंने एक बात आपको बताई है कंसेक्यूटिव नंबर्स जैसे 1, 3, 5 इनका मिडल नंबर इनके एवरेज होगा,
तो 13 नंबर की एवरेज क्या सातवां नंबर होगा, करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 यहाँ छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 यहाँ छोड़ दो, यानी ये जो पर्टिकुलरली सेवंथ नंबर है ये इनके एवरेज होगा, यानी 31 41 43 45 and 47 इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर, क्लियर। तो आसान क्वेश्चन था बेसिकली एवरेज का। चलिए ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसीडर देखो स्टेटमेंट दिए हैं, कंसीडर थ्री डिजिट नंबर हैविंग द फॉलोइंग, ऑल द थ्री डिजिट्स आर डिफरेंट, मतलब कोई तीन डिजिट का नंबर है मेरे पास मतलब कोई भी तीन डिजिट नंबर हो सकता है, एबीसी एक्स वाई जेड कुछ भी नंबर है, सात से डिविजिबल, द नंबर ऑफ रिवर्सिंग द डिजिट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय सेवन। देखो मेरे पास अगर कोई नंबर है, मैं बात करता हूँ 102 या 201, ठीक है, देखो ये दोनों नंबर ना तीन से डिविजिबल है, पहले वाला 67 से, दूसरे वाला 34 से, ठीक है। तो क्या अगर मैं इनका डिफरेंस निकाल लूं, यानी 201 माइनस 102 99 आया, 99 भी तीन से डिविजिबल होगा, बिल्कुल सही। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई दो नंबर्स हैं कोई भी तीन डिजिट के दो नंबर्स हैं, उनको अगर मैं रिवर्स करके माइनस करता हूं तो उनका जो सब्ट्रैक्शन करके आएगा आंसर वो भी सात से डिविजिबल होना चाहिए। मैंने नंबर माने भाई एक्स वाई जेड, तो सबसे पहले लिखो एक्स वाई जेड की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, ध्यान से देखिए, एक्स वाई यानी 100x प्लस 10y प्लस जेड, उसके बाद जेड वाई एक्स, इसको कैसे लिखूंगा मैं, 100z प्लस 10y प्लस एक्स हो गया, इनको माइनस कर दो जरा, देखो भाई कितना आएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 100x में से x किया 99x माइनस z में से 100 किया माइनस 99z, तो एक्चुअली में ऐसे हो गया 99 ऑफ x माइनस ऑफ z, 99 ऑफ x माइनस ऑफ z, ऐसा नंबर होगा। अब ध्यान से सुनो, ये नंबर डिविजी जो जो मेरा नंबर है ना, ध्यान से समझना, बहुत डेप्थ वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो ये है ना मेरे पास 99 ऑफ, ये भी सात से डिविजिबल होगा इसका मतलब 99 जो है, जो 99 है वो तो सात से डिविजिबल नहीं है। देखो अगर मैं बोलूं जैसे a 99 a है, ये सात से डिविजिबल, तो डेफिनेटली जो a है वो सात का फैक्टर होना चाहिए मेरा, कुछ सात ही होना चाहिए, क्लियर। अब देखो इसका मतलब x माइनस z कोई मेरा सात का फैक्टर होना चाहिए, तो कितना हो सकता है, 8 1 9 2, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं इनको ऐसे बोलूं जेड वाई एक्स और एक्स वाई जेड, तो ये नंबर क्या है मेरा 99 ऑफ जेड माइनस ऑफ एक्स, इसका मतलब अगर मैं ये ऐसे ले रहा हूं यहां पे एक्स इजिकल टू 8 जेड इजिकल टू 1 और यहां पे एक्स इजिकल टू 9 जेड इजिकल टू 2 ऐसे ले रहा हूं, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 8 2 9, यानी एक्स वाई जेड जब मैं निकाल लूंगा तो कितना आएगा 8-1 9-2, एक्स और जेड की वैल्यू जो वाई मुझे पता नहीं, ये कितना आएगा 1-8 और 2-9 कंफर्म। तो ये तो कंफर्म है मेरे पास कितना, हाँ मैंने थ्री डिजिट नंबर आ दिया तो ऑप्शन नंबर भी, बट अगर नंबर का सम वगैरह कुछ पूछे तो कैसे करेंगे। अब 800 सात से डिविजिबल है, 800 में यहां क्या पुट करोगे सात से डिविजिबल में, करके देखो, करके देखिए क्या यहां पे कितना आएगा, जो ऊपर आएगा वो नीचे भी आना चाहिए, करके देखिए जरा, देखो वन पुट करो 811 सात से डिविजिबल है, 811 क्या सात से डिविजिबल है, 7 × 7 1 1 7 × 7 4 1 नहीं है, ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा। तो ये कितने में कारोबार रुकेगा जल्दी बताइए मुझे, ये कितने में जाएगा, पहले इसी पे आ जाओ, देखो पहले इसी पे आ जाओ, ये नंबर छोटा दिख, इसमें देखो 118 जाएगा, अगर मैं 6 पुट करूं 168 140 प्लस 28 ये तो हो गया, अब 2-9 पुट करोगे तो वहां आ जाएगा,
करके देखो 2-9 में कितना आएगा, ये तो 168 आ गया, तो यहां पे भी 860 बनाना चाहिए। अब 2-9 और 9-2 का निकाल लो, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन चाहिए मुझे इस आंसर के लिए। क्लियर, देखो 210 जाता है, बट 210 अब नहीं जाएगा बिकॉज 210 से कम है ये। 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, 5 पुट करो। अगर मैं 5 पुट करता हूं तो 210 से 49 ज्यादा हो गया, तो 259 एंड 952, इसको करके देख लो, 13-97, 4-2, बिल्कुल सही। तो कितने नंबर आ गए, नंबर आ गए मेरे पास टोटल 4। तो ध्यान रखो, अगर आप नंबर देखो, अगर क्वेश्चन यही देगा ना, आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, आप बेशक इनकी वैल्यूज ना निकालो, मैंने वैल्यूज भी निकाली, वो पूछ सकते हैं फाइंड द सम, वो एक एडवांस लेवल पे भी जा सकता है, वो कह सकता है फाइंड द सम, तो सम निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए चलिए, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99,000 सच दैट 8 दैट डिजिट 8 ऑक्यूपाई यूनिट प्लेस। बहुत आसान है, देखो भाई सबसे पहला नंबर क्या आएगा, अगर मैं बात करूं 99 to 199, कौन सा नंबर होगा, 108, 208, 308, 408, 508, 608, ओ सॉरी, 108, अरे मैंने गलत लिख दिया, 118, 128, 138, 148, 158, 168, 178, 188, 198, तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, तो एक सीक्वेंस में कितने 10 हुए, ये कितने हैं, अगर मैं ऐसे देखो 200 से 299 तो कितने इंटरवल्स आ गए, 10, तो 10 के लिए कितना होगा, सोच के देखिए, बट देखो बस सॉरी नो इंटरवल है, कोई 1 से 99 नहीं है, तो ये कितने हो गए, इंटू 9, आंसर इज 90, ऑप्शन नंबर सी। देखो यानी 100 से कितना 200, 201 से 300, बिल्कुल सही, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000, तो 9 इंटरवल्स हो गए, तो 19 सर आगे मेरा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, चलिए भाई बहुत अच्छा, ये इंपॉर्टेंट भी है, अ टू डिजिट नंबर इज रिवर्स, द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट वन, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका 2017 यूपीएससी सीसेट। देखो भाई, मैंने माना एक टू डिजिट का नंबर है, मतलब लार्जेस्ट मतलब एक्स वाई, यानी 10x प्लस वाई, इसको रिवर्स करो वाई एक्स, यानी कितना 10y प्लस एक्स। एक बात बताओ मुझे, मैं आपसे सिंपल सी बात पूछता हूँ, अगर 10x प्लस वाई है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या हो सकता है, x की वैल्यू 9 पुट कर सकता हूँ, यानी 90 प्लस वाई, इसका मतलब ये कितना होगा 10y प्लस 9, अगर मैंने x इज़ इक्वल टू 9 पुट किया मैक्सिमम के लिए, 4 4 मैक्सिमम वैल्यू, यू कैन से दैट x इज़ इक्वल टू 9 पुट करो फॉर मैक्सिमम वैल्यू, तो इतना। अब मेरे को एक बात बताओ, y की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए मुझे क्या वैल्यू चाहिए, कि इनका डिफरेंस एक तरह से मैक्सिमम हो, सोच के देखो, y अगर आप 4 पुट करोगे तो ये कितना आ गया 90, और ये कितना आ गया 49, यानी जब हम 94 को 49 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा प्लस 45, यही आंसर, ऐसे ज्यादा आ ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर डी सबसे बड़ा वही है मेरे। क्लियर, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर इन क्वेश्चन को मैं टैकल करूंगा बहुत इजीली होंगे, मुझे ज्यादा इसमें दिमाग खराब नहीं करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अनोखे हैं, और ये क्वेश्चन एक डिफरेंट लेवल के हैं, होपफुली उम्मीद करूंगा आपको अच्छे लगेंगे। और जो मेंटरशिप की वीडियोज आ रही है, भी कैसे एग्जाम को टैकल करें, कैसे करना चाहिए, वो सारे वीडियो को देखिए, कमेंट कीजिए, अपने क्वेश्चन पूछिए, रेज योर क्वेश्चन, कि किस तरह की प्रॉब्लम आपको आ रही है। अगर आप चाहते हैं आपके किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर ही मैं वीडियो बनाऊं, मैं डेफिनेटली उसका सलूशन लेके आऊंगा, बट पहले आपको मेरी मदद करनी होगी, आपको पहले बताना होगा आपकी प्रॉब्लम क्या, सो दैट आई कैन सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। ये आपकी प्रॉब्लम है, लाखों बच्चों की प्रॉब्लम आज के दिन।
कि शुरू कैसे करना है, कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, क्यों शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, ये सारी चीजों के सवाल सब मेरे पास जवाब है, बट जब तक आपके प्रश्न नहीं, जब तक मेरा जवाब नहीं, क्लियर। अभी तक नहीं बोला, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, डन। चलिए बच्चों, नेक्स्ट है मेरे पास बड़ी यूनिक सी चीज जिसका नाम है अभी वीडियो माइक्रो कोर्सेज। भाई माइक्रो कोर्सेज है क्या, व्हाट इज माइक्रो कोर्स, क्या माइक्रो कोर्स बताइए, बताओ 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 माइक्रो कोर्स क्या है। माइक्रो कोर्स एक ऐसी सीढ़ी है जो आपको सीधा टॉप पे पहुंचा सकती है, सीढ़ी नहीं है, जंप है एक्चुअली में माइक्रो कोर्स। होता क्या है, करते करते ना कोई ऐसा टॉपिक छूट जाता है जिसमें मुझे महारत हासिल करनी है, बट पेपर में बहुत ज्यादा आ रहा है, जैसे नंबर सिस्टम बोल सकते हैं आप, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं आप, सिंप्लीफिकेशन बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन बोल सकते हैं, कोई भी चैप्टर, सबका माइक्रो कोर्स तैयार है, और वो भी 6 मिनट के ट्रायल के साथ। बट व्हाई वी हैव टू बाय माइक्रो कोर्स, व्हाई, बिकॉज माइक्रो कोर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको पूरा कोर्स नहीं खरीदना, आप एक पर्टिकुलर कोर्स पे ही बच्चों काम कर सकते हैं, पर्टिकुलर कोर्स हो गया, पर्टिकुलर आपका टॉपिक हो गया, सब टॉपिक हो गया, कुछ भी, जैसे डी आई है पूरा टॉपिक, बट अगर आपको सिर्फ लाइन चार्ट करना तो लाइन चार्ट इज अवेलेबल, वो सब टॉपिक हो गया डी आई के अंदर, क्लियर। तो ऐसे टॉपिक सब तैयार है, बट सिर्फ आप तैयार नहीं है सो अवेल कर, कैसे अवेल करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, सारी चीज मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। और ध्यान रखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको फुल कोर्स का लिंक, माइक्रो कोर्स का लिंक, प्लस आपके पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, क्लियर। चलिए बच्चों, चलिए जी देखते हैं, abhipedia.abhimanyu.com, रुकिए एक मिनट, चलिए abhipedia.abhimanyu.com चूज एग्जाम करेंगे बेटा, सिविल सर्विसेज सी सेट पे जाएंगे हम। देखिए मैं आपको फिर भी थोड़ा डिटेल में बता दूं, ये मेरे पास है सारे सब्सक्रिप्शन, ये है मेरे पास वीडियो कोर्स, ये है टेस्ट कोर्स, और ये है मेरे पास माइक्रो कोर्स, जो मुझे अच्छे से जानने हैं, समझने और मुझे लेना भी है, याद रखिए, नहीं लेंगे तो आपका घाटा है, क्लियर। सबसे पहले 10 दिन का मोबाइल नंबर डालिए, कॉल में व्हाट्सएप कीजिए, तो टीम उस हिसाब से आपके साथ जुड़ जाएगी, क्लियर। देखो नेक्स्ट मेरे पास क्या, मैथमेटिकल एबिलिटी हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक एबिलिटी हो गया, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, और नेक्स्ट मेरे पास है वीकली टेस्ट। चलिए देखिए, जैसे मैथमेटिकल एबिलिटी की मैं ऐसे बात करूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आना, ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा पेपर इसी से आने लग गया। देखिए चेक बंडल फॉर कंप्लीट सब्जेक्ट, देखिए 3555 ऑलमोस्ट 3500 तो थोड़ा सा ज्यादा का है, बट अगर सिर्फ मुझे नंबर सिस्टम करने में क्यों 3500 दूंगा, क्यों ना मैं 22% से 25% और टॉपिक सिर्फ यहीं से आ रहा है, तो क्यों ना सिर्फ 324 रुपए देकर 1/4 पेपर को अपने घर ले जाऊंगा, क्योंकि 1/4 पिछली बार 20 से ज्यादा क्वेश्चन है आपके 80 में से, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके साथ मैं आपको एक राय जरूर दूंगा, जब भी आप नंबर सिस्टम करें ना, एलसीएम एचसीएफ जरूर कीजिए, बिकॉज बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं नंबर सिस्टम के जो एलसीएम एचसीएफ के साथ चलते हैं, जैसे आपकी रिंगिंग ऑफ बेल्स वाले क्वेश्चन हो गए, आपके रेसिंग वाले क्वेश्चन हो गए, तो नंबर सिस्टम के साथ एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास सिंप्लीफिकेशन, ऑलमोस्ट 15% से 16% सिंप्लीफिकेशन 114, और यहाँ पे कमाल की चीज है 6 मिनट का ट्रायल दिया गया है, कि अगर आप ये ट्रायल लें तो अगर पसंद आए तो लीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत थोड़ी ना। नेक्स्ट है मेरे पास देखिए 421 क्वेश्चंस हैं, 9 वेबिनार्स और 10 लेक्चर्स हैं, 10 से 15 घंटे का आपका इस नंबर सिस्टम, मोर देन, और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इनको आप टेस्ट के तौर पर भी दे सकते हैं, जो आप जुड़ेंगे तो सारी चीजें वन बाय वन आपको अपने आप बता दी जाएंगी, तो यहाँ पे टेस्ट भी ऑलमोस्ट आपके टॉपिक वाइज। नेक्स्ट है बेटा सिंप्लीफिकेशन, देन वी हैव परसेंटेज, देन वी हैव परमुटेशन कॉम्बिनेशन, देन वी हैव टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, नंबर सीरीज, मैं जैसे बात करता देखो खाली डीए में लाइन चार्ट खरीदना है, करना है आपने तो 51 का है, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया आपका, टाइम एंड वर्क हो गया, मेंसुरेशन, 2D प्रॉब्लम मैनेजेस, एलसीएम, डेटा टेबल, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मैं बता रहा हूँ 1-to-1 काउंसलिंग है यहाँ पे, एक तरह से लगा लो कि हर एक बच्चे को मॉनिटर किया जाता है, वीकली देखा जाता है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। नहीं विश्वास आता अभी पता चलेगा मैं क्यों ऐसा सॉलिड आपको बोल रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट है मेरे पास लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी, पूरा 2646 का, जैसे पजल टेस्ट करना है 245 रुपीज का, 17 लेक्चर 17 धमाकेदार लेक्चर्स हैं, साथ में आप नोट्स 270 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट रैंकिंग एंड ऑर्डर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सी सेट ऑफ रीजनिंग, क्लियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट कंक्लूजन, डायरेक्शन सेंस हो गया, सिलोजिज्म हो गया, क्यूब एंड डाइस, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डाटा सफिशिएंसी, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर, वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट, सब चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम इंग्लिश अगर कॉम्प्रिहेंशन की बेटा बात करूं मैं आपके साथ, तो
पूरा बंडल 412 रुपए की, सिर्फ अगर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना चाह रहे हैं तो 349, और आपको एंटोनिम सोनोनिम भी चाहते 53। मैं आपको एक राय दूं, एंटोनिम सोनोनिम जरूर करिए। रीजन सबसे सॉलिड क्या है, क्योंकि इसमें रूट वर्ड के साथ आपको बहुत सारी चीजें बताई गई हैं 157 एमसीक्यूज में, दो वेब नोट में, क्लियर। तो देखिए अन अवेल कीजिए। अब मैं बता रहा था ना, सॉलिड आपको प्रूफ दूंगा, ये मेरा प्रूफ है। मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं, मेरे पास दिखाने के लिए, भाई देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास 51 रैंक है, 56 रैंक है, 91 रैंक है, 105, 138, 154, 172, 187, 208, 249, सब रैंक होल्डर्स हैं मेरे। और ये बच्चे एक दिन आपकी तरह ही YouTube की वीडियो देख के या ऑफलाइन आए थे हमारे पास कि सर तैयारी करनी है। और ऐसे कितने सारे बच्चे जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, साइंस बैकग्राउंड, नॉन साइंस बैकग्राउंड, बोथ आर हियर। तो ऐसा कोई जरूर नहीं कि जिसका मैथ है वो इजीली कर पाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे सीसेट जिन्हें लगता था कि एक से डेढ़ महीने में, दो महीने में कर लेंगे, कि हमारे पास साइंस बैकग्राउंड हमने मैथ पढ़ा हुआ, बट नहीं हुआ। रीजन क्या था, ओवर कॉन्फिडेंस। उस ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो वो कहाँ होंगे, उस बैच में होंगे जिसकी डिटेल शुरू में उन्होंने बताई थी और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मेरी बात नहीं माननी तो भाई इनके स्वर्णिम शब्द, इन अधिकारियों के, इन आईएएस ऑफिसर के शब्द ये यहाँ पे अंकित है, देखिए बड़े अच्छे तरीके से। तो प्लीज इन्हें पढ़िए, ज्यादा नहीं, आपके एटलीस्ट कुछ तो पता चलेगा। 6 मिनट का ट्रायल लीजिए, उस ट्रायल के कोई पैसे नहीं, जितने मर्जी ट्रायल ले सकते हैं आप, क्लियर। चलिए, थैंक यू, प्लीज लाइक चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, और सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं। थैंक यू, प्लीज शेयर कीजिए, डू शेयर दिस वीडियो, क्या पता किसी के काम आ जाए, जरूरतमंद इसकी वेट कर रहा हो, उसको नहीं मिल रहा है डाटा, कोई ऐसे क्वेश्चन हो नंबर सीरीज का, सॉरी नंबर सिस्टम का, जो उसने करना हो ना कर पा रहा हो, तो इसके माध्यम से कर पाएगा। सो प्लीज 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 बी सीरियस अबाउट योर करियर, बिकॉज ये सीसेट नहीं है, आपका एक साल की मेहनत है। ऐसा ना हो आपके साथ बैठने वाला स्टूडेंट एक दिन अधिकारी हो और आप वहीं पे बैठने में मजबूर हो, फिर हताशा हाथ लगेगी। अंत में एक बात बता रहा हूँ मैं, याद रखिए, प्लीज लाइक एंड शेयर, थैंक यू।